दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का कोई भी मोबाइल है और आपके रियलमी के मोबाइल के अंदर जब आपने उसको बाय किया था और उसके अंदर आपको डेसिमल चार्जिंग देखने को मिली थी और जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल है वो बहुत जल्दी यानी कि फास्ट चार्ज हो जाता था स्टार्टिंग में, बट अभी आज के दौर में अभी आपके मोबाइल के अंदर जो डेसिमल चार्जिंग है वो आपको शो नहीं हो रही है और आपके मोबाइल की जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, तब आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद अपने आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व काफ़ी इजीली घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। वेल दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की डेसिमल चार्जिंग डिसेबल हो चुकी है और वो आपको शो नहीं हो रही है और आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रीस्टार्ट करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वेल दोस्तों, रीस्टार्ट करने से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। आपको जाना है अबाउट फोन के अंदर और आपको चेक करना है कि कहीं कोई अपडेट आपके मोबाइल के लिए आई हुई तो नहीं है। अगर आपके मोबाइल के अंदर आपको कोई अपडेट दिखाई देती है तो आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ये अपडेट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें रियलमी के मोबाइल के अंदर देखने को मिलती है। वेल, अगर आपने अपने मोबाइल को अपडेट कर लिया है और उसके बावजूद भी आपके मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने मोबाइल का जो चार्जिंग जैक है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और आपकी जो चार्जिंग केबल है आपको उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, और तब आपको चेक करके देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। वेल, अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो डोंट वरी, अभी मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ उससे आपके मोबाइल की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। वेल, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि आपको अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट कर देना है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये सॉफ्टवेयर का इशू होता है, तो अगर आप अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट कर देते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है जो कि डेसिमल चार्जिंग की प्रॉब्लम है, जो कि स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है। वेल दोस्तों, अगर आपने अपने मोबाइल को फॉर्मेट भी करके देख लिया और उसके बावजूद भी आपके मोबाइल की जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने चार्जर की जो चार्जिंग केबल है यानी कि आपके मोबाइल के साथ जो आपको चार्जिंग केबल मिली थी बॉक्स के अंदर, उसको काफ़ी अच्छे से चेक करना है। वेल, जैसा कि अभी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, मेरे पास जो ये चार्जिंग केबल है ये हल्की सी ब्रेक हो चुकी है, और ब्रेक होने की वजह से इस चार्जिंग केबल के अंदर जो आपको एक सिल्वर कलर की वायर देखने को मिल रही है वो भी ब्रेक हो चुकी है। एंड गाइस, जो ये सिल्वर कलर की आपको वायर देखने को मिल रही है, इसी वजह से मेरे मोबाइल के अंदर जो डेसिमल चार्जिंग है वो डिसेबल हो चुकी है, और इसी वजह से मेरे मोबाइल के अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो आपको भी एक बार काफ़ी अच्छे से अपनी चार्जिंग केबल को चेक कर लेना है कि कहीं से वो ब्रेक तो नहीं हुई है, जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जो सिल्वर कलर की वायर है इसकी वजह से किस तरह से हमारे मोबाइल की जो डेसिमल चार्जिंग है वो डिसेबल हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, मैं जो अपने चार्जिंग केबल है इसकी जो सिल्वर कलर की वायर है मैं इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ यानी कि जोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे मोबाइल की जो ये डेसिमल चार्जिंग की प्रॉब्लम है ये किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक चार्जिंग केबल को चेक करके। वेल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल की जो चार्जिंग केबल है इसको काफ़ी अच्छे से सही से जोड़ दिया है। चलिए अब हम अपने मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं। वेल, जैसा कि अभी आप दोस्तों देख रहे हैं, मेरे मोबाइल के अंदर डेसिमल चार्जिंग मुझे शो हो चुकी है और मेरा मोबाइल पहले की तरह फास्ट चार्ज होने लगा है। वेल, अगर आपके मोबाइल के अंदर अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं होती है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने मोबाइल के साथ जो आपको चार्जिंग केबल देखने को मिली थी आपको इस केबल को एकदम फेंक देना है और आपको एक न्यू केबल को बाई करना है। अब आपको न्यू केबल कौन सी बाई करनी है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो रियलमी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी, आप उस केबल को बाई कीजिए और बाई करने के बाद आप अपने चार्जर के साथ उसको कनेक्ट करके एक बार फिर से चेक कीजिए कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई या नहीं हुई। वेल दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी स्टेप बताए हैं उन सभी को मैंने फॉलो किया, और उन सभी को फॉलो करने के बाद जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी वो न्यू केबल बाई करने के बाद सॉल्व हुई थी। तो आप भी एक न्यू केबल बाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। खैर, अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होती है, आपने न्यू केबल बाई कर ली और उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है, और ऑप्शन ये है कि आपको जाना है कस्टमर केयर, और कस्टमर केयर पे आपको अपनी जो भी दुख भरी कहानी है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसे कस्टमर केयर वालों को एक्सप्लेन करना है और उनको बताना है कि मेरे मोबाइल के अंदर जो डेसिमल चार्जिंग है वो शो नहीं हो रही है और फिलहाल मेरा जो मोबाइल है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है, और उसके बाद जो कस्टमर केयर वाले हैं वो आपकी इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दे देंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप जिन्हें फॉलो करके आप काफ़ी इजीली अपने मोबाइल के अंदर जो डेसिमल चार्जिंग की प्रॉब्लम है यानी कि आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है आप इसको घर बैठे सॉल्व
कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो कौन से स्टेप से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।